आराम से आलू गोभी खा रहे हैं, मुझे खिचड़ी दी है, अभी मुझे खिचड़ी खानी है। कम बोला कर तू, सलाम कर सबसे। अस्सलाम वालेकुम सबको। चलो खिचड़ी खाती हूँ मैं अपनी। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बोला नहीं जा रहा, बोल रही ना तो खांसी आ रही है मेरे को। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, रिमना के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो अभी ठीक है तबीयत, पहले मैं खाना खा लूँ फिर बताऊँगी। खाना खा के ये खिचड़ी खा लो अपनी, फिर आपसे बात करती हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है वो शेयर करूँगी फिर आपको। ठीक है, तब तक बाय। और मेरी तबीयत ख़राब है, बिल्कुल ही बेड रेस्ट बताया हुआ है, तो बिल्कुल आराम कर रही हूँ। तो यहाँ पर पापा मेरे काम कर रहे हैं, मतलब झाड़ू पोछा जो मैं करती थी वो पापा कर रहे हैं। ए फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो पता है हमारा पुराना वाला फ्रिज जो है वो चला गया है, और जो नया वाला फ्रिज है ना वो आ रहा है यहाँ पे। मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पा रही, खांसी आ रही मेरे को, इसलिए मैं शूट ही नहीं कर रही हूँ दिनों से। आप रोज रुक जा, फ्रिज लगा रहे हैं हम लोग, रुक जा दो मिनट। गया, चला गया, कर रही हूँ मैं कॉल अभी। ये आ गया फ्रेंड्स, हमारा एक महीने के बाद फ्रिज। फ्रिज का स्विच नीचे ही है, वही मैं कह रही थी थोड़ा सा आगे को करके फिर देख। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसको हो गया टाइफाइड, इसलिए कुछ दिनों से आपको नजर नहीं आ रही। अभी क्या खा रही है, कहाँ चली गई ये? दाल खा रही हूँ मैं। इतने दिनों से जब मैं बीमार चल रही थी, टेस्ट वगैरह नहीं कराए थे मैंने, और अभी 2-3 दिन पहले टेस्ट कराया तो उसमें टाइफाइड आया और प्लेटलेट डाउन है। डॉक्टर ने बिल्कुल रोटी खाने से मना कर दिया। दाल पी रही हूँ मैं यहाँ पे, दाल ही पिला रहे, लिक्विड वगैरह ये सब लेना है। और पता नहीं टाइफाइड के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पहले भी हुआ था लेकिन ठीक हो गया था, फिर दोबारा हो गया। तो बोला भी नहीं जा रहा, बोल रही हूँ तो खांसी आती है, हंसती हूँ तो खांसी आती है, रोती हूँ तो खांसी आती है। तो बस यही सब कर रहा है, इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं लेके आ पा रही हूँ कि मैं ब्लॉग डाल दूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि सब कुछ करना पड़ता है मेरे को, कट एडिट, तो नहीं डाल पा रही। देखो मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, तो क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, ये भी देना मैंने ज़रूरी समझा। तो बस यही सब चल रहा है, और फ्लू प्लस टाइफाइड हो गया है, तो वो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, खांसी जुकाम और फिर ये टाइफाइड का बुखार, शरीर दर्द, ये सब है तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उस कान में बीमार है, तो जैसे जैसे मैं ठीक होती जाऊँगी, जो जो करती जाऊँगी वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। पापा भी है यहाँ, अम्मी के ऊपर सारा काम पड़े हुआ, मेरे को इतना बुरा लगता है। चीकू खा ले वहाँ पे, चीकू मैंने तीनों खा लिए। हे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने, और इतने दिनों से ना मेरा मतलब मैं दाल खिचड़ी खा के जो है पक गई हूँ बिल्कुल, और बोर भी हो गई हूँ, जबान में टेस्ट ही नहीं आ रहा है कुछ। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना कुछ चटपटा खाऊँ, कुछ तीखा खाऊँ, जैसे कि कबाब, मोमोज और चटपटा तीखा ही खाने का दिल कर रहा था। और प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर के पास ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ पे अच्छा सा सामान मिलता हो और मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकूँ कि वो 100% हलाल होगा उसमें मीट, और अगर मिलता भी है तो टेस्ट अच्छा नहीं होता, कच्चा रहता है, पक्का रहता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैंने प्रेफर किया चिकन लिकन से लेना, क्योंकि वहाँ का मैंने सुना है बहुत ही अच्छा रहता है, 100% हलाल मीट रहता है उसका, चिकन का, मटन का। मैंने प्रेफर किया ये सब लेना चिकन लिकन से, और वाह क्या मेन्यू है उसका, क्या मेन्यू है और क्या आइटम्स है इसमें, मज़ा आ गया मेरे को। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या मंगाया वहाँ से। तो ये देखिए, ये है चिकन कबाब, और ये जो है सब फ्रोजन है, मैंने इसे फ्रीजर में रखा था, ये थोड़े से जम गए, फ्रीजर में आप रख सकते हैं 6 महीने तक, ये खराब बिल्कुल नहीं होंगे। अब है ये है चिकन कबाब, और ये है चिकन नगेट्स, ये है चिकन मोमोज, और तीखी तीखी चटनी के साथ इसको मैं खाने वाली हूँ। इससे पहले इसको मेरे को बनाना पड़ेगा, और इसको बनाना कितना ईजी है ये मैं आपको दिखा दूंगी, और मेरे साथ चलिए आप लोग। चलिए तो आगे हम किचन में, और इसको हम करते जल्दी जल्दी फ्राई, हम मोमोज स्टीम करेंगे, तो हो सकता है कि वो फ्राई भी कर लूँ, क्योंकि अम्मी को फ्राई पसंद है, और स्टीम भी कुछ कुछ खा लेंगे, स्टीम भी बता दूंगी। पहले कर लेते इसे अनबॉक्स। ओके, ये है चिकन नगेट्स, अनबॉक्स।
इसी तरह बाकी बॉक्सों को भी हम कर लेते हैं अनबॉक्स। और चिकन कबाब को सेकना तो बहुत ही आसान है। ऐसे तवे में रखिए, उसमें थोड़ा सा ऐसे ऊपर से ऑयल लगाइए और हल्का हल्का उसे शैलो फ्राई कर लीजिए। बाकी तो ये सारे आइटम्स रेडी हैं, बस आपको इसको गर्म करना होता है और इसको बस ऐसे पकाना होता है। जब ये थोड़ा ऐसे रेड रेड से हो जाए तो आप लोग इसे निकाल के रख लीजिएगा और खाइएगा। मतलब सेकते सेकते इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है अभी खा लूँ मैं। लेकिन इससे पहले मुझे बनानी चटनी, चटनी के साथ प्याज के साथ, फिर इसका जायका आएगा ना। ये देखो कैसे प्यारे से ऐसे रेडनेस से फ्राई हो गए। और चिकन नगेट्स को फ्राई करना भी बहुत आसान है। एक फ्राई पैन लीजिए, उसमें ऐसे ऑयल डालिए और इसे ऑयल को गर्म कर लीजिए। पागल। मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया। जब तक तेल गर्म हो रहा तब तक हम कर लेते हैं मोमोज स्टीम करने की तैयारी। तो हमने पतीला लेके इसमें पानी डाल के इसको गर्म करते इसमें आएगा अब बॉयल। जब तक बॉयल आता है हम डाल देते हैं नगेट्स अपने। आया। मैंने लिए ये छन्नी, इसमें मैं स्टीम के लिए मोमोज रख दूंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है यहाँ पे। चलो पानी बॉयल हो जाए फिर हम इसे स्टीम के लिए रख देंगे। और कढ़ाई को मैं अपने साथ ही रख देती हूँ, इसका कोई काम नहीं था। तल गए? नहीं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप इसे और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं डीप फ्राई करूंगी यहाँ पे। तो चटनी की तैयारी कर ले। चटनी खाएगा या नहीं खाएगा? खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा। चटनी की तैयारी कर लेते। ये हो गए हमारे नगेट्स रेडी, डीप फ्राई हो गए। फ्रेंड्स हमारे मोमोज भी स्टीम हो गए हैं और यहाँ सारे आइटम्स बनके रेडी है। मैंने दस्तरखान बिछाया, फिर एक एक करके मैं सारे आइटम्स लेके आई। पहले चिकन कबाब लेके आए, फिर नगेट्स और मोमोज लेके आई और दस्तरखान में सजा दिए टेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स रेडी हो गया हमारा सामान और ये है चिकन कबाब। उसके साथ मैंने बनाई है हरी चटनी और ये है प्याज और ये है चिकन नगेट्स और ये कितने क्रिस्पी है। और यहाँ पर है मोमोज जो मैंने घर में स्टीम करे और ये उसके साथ चटनी है। तो फ्रेंड्स आ गई है हमारे टेस्ट करने की बारी और ये फोन में घुसा हुआ जब से कह रहा फोटो ले लूं आज हम इतना अच्छा खाना खाने जा रहे हैं। ऐसा तो है। चलो फ्रेंड्स जल्दी से हम लोग कर लेते इसका टेस्ट, मतलब अच्छे से आप लोगों को बता देते कि कैसा बनाए ये। मुझे मतलब हम लोगों को बनाते बनाते कितनी खुशबू आ रही थी। तो अभी हम शुरुआत करते सबसे पहले मोमोज से, हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा था ना यहाँ पे मिलता ही नहीं कोई अच्छा सामान। बहुत अच्छा है गाइस, यू मस्ट ट्राई। ये देखो सब्जी है ना, पूरा लपेट के खा लिया। चटनी तो है। चटनी भी बहुत अच्छी है, मोमोज भी बहुत अच्छे हैं। टेस्ट आ गया जबान में इतने दिनों से दाल खिचड़ी खाते खाते। नगेट्स नगेट्स भी यार अंदर से कितने अच्छे हैं। बर्गर क्रंची कितने। मैंने तो नहीं खाया कहीं पे भी ऐसा खाना, बट ये बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, सच्ची में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। अब आए हमारे सीख कबाब। वाओ कितने मुलायम है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो। अंदर से देखो कितने सॉफ्ट से हैं ये, बहुत ही प्यारे। खा के देखते हैं। मतलब घर बैठे तो बहुत ही अच्छे हैं ना, कुछ मेहनत ना कुछ, बस इतना सा फ्राई करने में 10-15 मिनट गए आपके, लेकिन
बाकी मेरा से तो बच गया, बहुत ही अच्छा टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ प्यार इतनी मेहनत से कटवाई तुमने। रमजानों में मंगा लेना, कोई जरूरत नहीं है बनाने बनाने की है ना, पसीने में हम तो नहीं भीगेंगे पसीने में, रमजानों में मंगाएंगे हम, खाएंगे मस्त बिल्कुल। अभी हम लोग इसको फिनिश करते फिर आपसे बाकी बातें करते। और जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने दिखाया आप लोगों को, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और मैंने फैमिली को भी कराऊंगी तो उनसे भी अभी आपको पूछवा दूंगी, लेकिन मैं भी पर्सनल आपको बता देती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था। और ये जो कबाब है, कबाब में इसमें और बहुत सारे फ्लेवर्स है, फ्लेवर्स में आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से फ्लेवर्स हैं। तो फ्लेवर्स हैं, ये तो डेली चिकन कबाब था, चिकन मलाई कबाब है, चिकन कबाब है, चिकन तंदूरी कबाब है और चिकन अंगारा कबाब है। इस तरह से बहुत सारे आइटम्स है कबाब में, चाइनीज आइटम भी है, मोमोज रोल चिकन रोल ये सब है, और फ्राइड आइटम्स भी है जैसे चिकन समोसा, चिकन नगेट्स, चिकन कुरकुरे, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन लॉलीपॉप, तो ये सब आइटम भी हैं। तो बहुत सारे हैं आइटम्स इसमें, आप लोग मेन्यू में आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आप लोग वो देख सकते हैं। और ये नगेट्स भी बहुत ही अच्छे थे और ये चिकन मोमोज क्या टेस्ट था, मज़ा आ गया। और अब मैं आपके लिए कितना ईजी काम लेके आ गई हूँ, मेहमान आते हैं उनके सामने रोज रोज वही चाय बिस्कुट नमकीन वही खाते रहते हैं वो, अब आपके सामने आएगा एक स्पेशल, मतलब अब आप उन्हें स्पेशल चीज भी खिला सकते हो, मतलब चिकन समोसा मंगाइए आप, ये मोमोज मंगाइए, चिकन नगेट्स मंगाइए, चिकन पॉपकॉर्न मंगाइए, लॉलीपॉप मंगाइए, खूब खिलाइए उन्हें। मेहमान भी क्या होंगे आपके, खुश हो जाएंगे कि हमारी तो इतनी खातिरदारी हो रही है, वहाँ पे इतनी खातिरदारी हो रही है, तो मजा आने वाला है, इसको जरूर ट्राई करिए। और सेकंड बात, रमजान आ रहे, इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, रमजान आ रहे हैं और सारा दिन हम औरतें बस किचन में खड़ी रहती बनाने के लिए, पसीना बहाती है। तो अब आसानी आ गई है हम लोगों के लिए, तो हम लोग मंगाएंगे अब ये कबाब नगेट्स चिकन के सब कुछ, और यहाँ पे मटन के भी आइटम्स हैं, आप मटन का भी मंगा सकते हैं और रॉ आइटम भी है, आप कच्चा भी मंगा सकते हैं। रमजान में हम लोग इफ्तार पार्टी भी करते हैं और अपने खास अजीज लोगों को इफ्तारी भी भिजवाते हैं, तो अब कितना आसान हो गया हम लोगों के लिए कि हम लोग झटपट ऑर्डर करेंगे, 10-15 मिनट में रेडी करेंगे और क्या करेंगे, बहुत ही सारी डिशेज, अच्छी अच्छी डिशेज हम लोग 10-15 मिनट में तैयार करके अपने दस्तरखान पे सजा सकते हैं और लोगों को भी भिजवा सकते हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है इस रमजान, मैं तो ट्राई करने वाली हूँ दोबारा फिर से, ये सारी चीजें मैं दोबारा ट्राई करने वाली हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और आप लोग भी करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करिए और मेरा कोड यूज करिए HIBANAS2023, तो आप लोग अच्छे से मंगाइए और इंजॉय करिए इसको डिश को। तो हो गया ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा फोन उठाएंगे, ऑर्डर करेंगे कॉल पे, नंबर में नीचे मेंशन कर दूंगी आपको, सीधा कॉल करिए और आपके घर में तुरंत आ जाएगा। अगर आप साउथ दिल्ली से तो आपको होम डिलीवरी फ्री मिलेगी, अगर आप दिल्ली में कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको शिपिंग का जो है वो चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यकीनन कह सकती हूँ अगर आप एक बार मंगाएंगे तो दोबारा जरूरी मंगाएंगे और बहुत ही अच्छे से खाएंगे और खिलाएंगे दूसरों को, यकीन के साथ बताती हूँ क्योंकि मैंने भी खाया है ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा है। ये फ्राई कर दिए मैंने मोमोज। अच्छा, ये क्या है? ये नगेट्स है, चिकन नगेट्स है। और वो चिकन कबाब है, अब तुम लोग भी बता दो कि कैसे है। अच्छे है ना, बहुत अच्छे चिकन के ना, मतलब चिकन के हलाल चिकन है पूरा, चिकन ही चिकन है अंदर, सही में जरा सा परत लगी बाकी जो पूरा चिकन है, चिकन ही चिकन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत है ना। मैंने नहीं बनाया पर अच्छा है, पर टेस्ट में काफी अच्छे हैं, मजे के हैं। जैसे बाहर हम लोग खाते हैं घर में मंगाने, अब रमजान भी आ रहे से रख लेंगे, ला के रख लो अपना फ्राई करके। बताओ ये कांटेक्ट करने के लिए किसको कांटेक्ट करना है, चिकन लिकन वाले को, ये मंगाने के लिए, ये मंगाने के लिए चिकन लिकन वालों को कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करिए, हाँ चिकन लिकन इनको कांटेक्ट करिए और अच्छी अच्छी डिशेस खाइए आप लोग। रॉ मटेरियल भी मिलता है, कच्चा जैसे कच्चा होता है ना, अच्छा, कच्चा अच्छा। भी मिलता है, वो भी मंगा सकते हैं, सोच सोच के आ रहा है खाने के लिए, अच्छा अच्छे है ना, ये नुकसान लेके आइए मुस्कान, इसको
वो सॉरी मुस्कान लेके आई है ये बटर चिकन। बटर चिकन तो बस ये एंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर, मेरा तो पेट ही भरा हुआ है। हाँ बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं जो मकेश पकेश मिलते हैं। हाँ उनसे अच्छा है, चिकन मटेरियल है बिल्कुल। और साहिल भी आया था तो मैंने उसे भी कहा कि तुम भी टेस्ट करके बताओ कि कैसा। और ये देखिए सारे जो है जंक फूड रखे ये लोग खा रहे हैं जो। और दोपहर का खाना नहीं बना है, ये बना खाना। सही है ये कबाब? हाँ टेस्टी है, टेस्टी है ना, टेस्टी है। चलो खा लो। ठीक है ओके यार। और ये है मेन्यू, वीडियो को पॉज करके आप मेन्यू पढ़िए। इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।